अस्सलामुअलैकुम, आप सभी का स्वागत है फराज फैसिनेटिंग वर्ल्ड में। आप सब लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा ज़रूर। तो अलवर से जयपुर तक का सफ़र आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ बने रहिएगा। हाय गाइस, तो हम लोग जा रहे हैं जयपुर। अरे से बाय। Where are we going? Very good, very good. This is the railway station. तो चलिए चलते हैं। तो ट्रेन हमारी आ चुकी है, हम ट्रेन में बैठ गए हैं। बाहर देखिए मौसम कितना अच्छा है, ठंडी तो बहुत है। फाइनली जयपुर पहुंच गए हैं। अलवर से जयपुर सिर्फ 2 घंटे का सफर है। हमने होटल पहले से ही बुक करके रखा था ऑनलाइन पे, होटल रमाड़ा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। ऑनलाइन बुकिंग किया था तो फॉर्मेलिटीज पहले से ही हो चुकी थी, हमें ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ा। तो चलते हैं हम अपने रूम के तरफ। आप ये देखिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको रूम कैसा लगा। तो ये रहा बाहर का व्यू, माशाल्लाह बेहद खूबसूरत है। अजरफ देखो यहाँ पे, वाह कैसा है। तो हम सब फ्रेश हो गए थे, अब हम बाहर निकल रहे हैं। आगे हमारे साथ बने रहिएगा व्लॉग में, देखिएगा हम क्या करते हैं। बहुत भूख लगी थी, हम अल्बर्ट म्यूज़ियम के थोड़े आगे ही मसाला चौक है उसमें आ गए थे खाने के लिए। सारे किस्म के फूड वेराइटीज़ मिल जाते हैं यहाँ पे, जैसे कि इडली डोसा, दिल्ली चाट, छोले भटूरे, राजस्थानी थाली, बॉम्बे तवा पुलाव, सभी रकम आपको मिल जाएगा यहाँ पे, और फूड भी बढ़िया सा है। Thank you.
हमने राजस्थानी थाली मंगाई थी, उसमें दाल बाटी, गट्टे की सब्जी, दही की कड़ी, लहसुन की चटनी, दाल और मिर्ची का अचार और 3 किस्म के लड्डू थे। ये देखिए कबूतर को दाना डालने के लिए गए हैं। बच्चों को तो खुशी होती है। तो ये रहा अलवर से जयपुर तक का सफ़र। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।